गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिल्डिंग गुड गाइज। सो आज मैं लेकर आई हूँ मिंत्रा बैग हॉल। सो लास्ट बैग हॉल आपको बहुत पसंद आई थी और आपने रिक्वेस्ट करी थी कि आप ऑफिस के लिए कुछ बैग्स देखना चाहते हैं, तो मैं लेकर आई हूँ बैग्स जो ऑफिस के लिए परफेक्ट है। इनमें से कुछ बैग आप डेली भी यूज कर सकते हैं। सो मिक्स बैग्स मैं लेकर आई हूँ। जितने भी बैग्स है सारे मिंत्रा से है एंड मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिली है गाइज। लाइक मिंत्रा पे जब भी बैग्स की सेल चलती है यू आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है, तो जो भी पसंद आए जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। एंड अगर कुछ भी पसंद है तो विशलिस्ट में रखिए, प्राइस कम ज्यादा होते रहती है, चेक कीजिए। जो प्राइस में मुझे मिली है मैं साथ ही साथ स्क्रीन शॉट में आपको लगा दूंगी कि मुझे कौन सी प्राइस में मिली है। सारे बैग्स की लिंक आपको माई हॉल स्टोर पे मिलेगी। सो लिंक्स के लिए प्लीज क्लिक कीजिए माई हॉल स्टोर। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना कि बैग आपको कैसी लगी। एंड नाउ वी गॉट अ पोटैटो, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय फर्स्ट बैग इज दिस वेरी ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की बैग, सो मैट फिनिश के साथ, बहुत अच्छे क्वालिटी, बहुत अच्छे स्टफ की बैग है। सो इस पे आपको एक हैंडल मिल रहा है, बैग पे चेन मिल रही है, नॉन डिटैचेबल स्ट्रैप मिल रही है, बैग पे आपको चेन मिल रही है जो काफी ज्यादा स्पेसियस है। बैग की जो पॉकेट है वो बहुत ही स्पेसियस है, साइज वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत सारे स्टफ इस पे आ जाएंगे। इसकी जो स्ट्रैप है वो आप छोटे बड़े दोनों कर सकते हो। फ्रंट पे ये बटन है, देन चेन मिल रही है और अंदर को दो इनर पॉकेट्स आपको मिल रही है। बैग काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, बहुत ज़्यादा सामान इस पे आ जाएगा ट्रैवलिंग के लिए, ऑफिस, कॉलेज, सभी चीज़ों के लिए परफेक्ट बैग है ये। अगर आपको कुछ बहुत अच्छे स्पेसियस बैग चाहिए, बस इसकी एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि जो इसकी हैंडल है वो सिंगल मिल रही है। लाइक अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा स्टफ रखोगे तो कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, बट जो स्ट्रैप है वो क्योंकि आप उसे एडजस्ट कर सकते हो तो आप इसे शॉर्ट स्ट्रैप रख के भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये डबल हैंडल होती तो मैं 200% रेकमेंड करती क्योंकि क्वालिटी, प्राइस, स्टफ सब बहुत बढ़िया है। सिर्फ आप हैंडल के लिए मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई। सो नेक्स्ट ये जो बैग है ये भी डिफरेंट कलर में है, ब्लैक का ही कलर है ये, बिल्कुल सेम बैग है और ब्लैक जैसे एज इट इज़ दोनों है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, प्राइस वगैरह भी सब कुछ सेम है। सो ब्लैक से ज़्यादा बेटर मुझे पर्सनली ग्रे वाली लगी रियल में। ब्लैक जिनको पसंद उनके लिए भी ठीक है। स्पेसेस बहुत है, बैक में चेन मिल रही है, डिटैचेबल स्ट्रैप मिल रही है आपको। आप अगर हैंडल आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप स्ट्रैप को एडजस्ट कर सकते हैं। इनमें से मैं एक ही रखूँगी, अगर दोनों हैंडल दोनों होता तो मैं शायद रखती, बट हैंडल की वजह से मैं रिटर्न कर रही हूँ क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्टफ आप डालोगे तो अगेन प्रॉब्लम होगी होगी सिंगल हैंडल में। बट अगर आपको पसंद है तो स्ट्रैप के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी कलर अच्छी लगी। मुझे इसमें ज़्यादा अच्छी ग्रे वाली लग रही है, सेम स्पेसेस है, अंदर टू इनर पॉकेट्स भी आपको मिल रही है और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। My next item is this grey solid hobo bag and ये bag guys मेरी बहुत ज़्यादा favorite है इस haul में क्योंकि hobo bags मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस पर आपको best है कि एक handle मिल रही है, कोई sling का tension नहीं है, long छोटा करने का कोई tension नहीं है, बस एक ही handle है, उसे आराम से आप use करो। front का design काफ़ी अच्छा है, ये जो silver metal type का design है बहुत सुंदर लग रहा है। एंड इसका जो back में एक chain है वो काफ़ी spacious है, आप देख सकते हैं, मैं पूरी अच्छे से दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा spacious है। inner pocket मिल रही है, इनसे में एक एक्स्ट्रा पॉकेट मिल रही है, ये भी बहुत स्पेसियस है, पूरी मैट फिनिश है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, 100% रेकमेंड करूंगी इसे, अभी आप ग्रैब कर लो, ये बहुत अच्छी बैग है प्राइस के अकॉर्डिंग और ऑफिस, कॉलेज, ट्रैवलिंग सब के लिए परफेक्ट है, कैजुअल यूज के लिए भी परफेक्ट है। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस बीच स्लिंग बैग एंड इस पे आपको नॉन डिटैचेबल स्लिंग स्ट्रैप मिल रहा है। इसके फ्रंट का जो बटन है गाइज, जो फ्रंट वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। एंड बैक पे आपको एक चेन मिल रही है, एक पॉकेट है जो काफ़ी स्पेसियस है। एंड इसका जो लुक और है वो काफ़ी हार्ड काइंड ऑफ है, बहुत मीन्स अच्छे वाली क्वालिटी वाली हार्ड काइंड ऑफ, बहुत ही सॉलिड मटेरियल है इसका। साइज़ आप देख सकते हैं, साइज़ परफेक्ट है, स्पेस काफ़ी अच्छी है और अगेन आप स्लिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो टू इनर पॉकेट्स आपको अंदर को मिल रही है और काफी स्पेसियस है, स्पेस भी बहुत अच्छा है, साइज बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है एंड बहुत स्मॉल भी नहीं है, तो इस वजह से मुझे बहुत पसंद आया। इसका कलर जो है वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया एंड मैं बहुत हार्ड ट्राई कर रही हूँ आपको दिखाने को कि कितनी यहाँ पे आपको लाइक इनर पॉकेट्स मिल रही है। सो काफी स्पेसियस है, मैं इसे 200% रिकमेंड करूंगी, प्राइस बहुत अच्छा है। स्टाइल आप देख सकते हैं, साइज, स्टाइल, स्टफ एंड जो स्लिंग है वो भी काफी अच्छा, छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते
सकते हैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी मैं इसे। आप कमेंट में बताना कि आपको ये कैसी लगी। माय नेक्स्ट बैग इज दिस ऑलिव ग्रीन बैग एंड ये गाइस बहुत छोटू सा क्यूट सा बैग है और इसका बैक पे भी आपको चेन मिल रही है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसियस नहीं है। बहुत छोटू सा बैग है, बहुत स्पेसियस पे नहीं है। फ्रंट पे आपको चेन मिल रही है, दो हैंडल मिन सामने को मिल रही है और आपको इस पे मिल रही है स्लिंग जो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा। और वन इनर पॉकेट आपको मिल रहा है, बैक पे चेन मिल रही है। काफ़ी छोटू सा बैग है, कलर इसका काफ़ी अच्छा है। अगर आपको बहुत हेवी बैग नहीं चाहिए, बहुत हल्का लाइट वेट वाला बैग चाहिए तो परफेक्ट है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि जो आपको दिख रहा है मिंत्रा के पेज में वो एक्चुअल में आपको रिसीव नहीं हो रही है। बहुत एक तो साइज़ बहुत छोटा है, एक्सेल उस पर मेंशन था बट ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ मिला है। प्लस इसका जो स्टफ़ है वो बहुत ही लूज़ काइंड ऑफ स्टफ़ है इसलिए मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। एंड उसका सेम कलर मैंने ये ऑरेंज कलर में लिया है। मुझे पेज में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पसंद आई थी बट जब मुझे रिसीव हुई तो मैंने बोला ओ गॉड मैंने दो क्यों ले लिया। तो ऑफकोर्स मैं एक रिटर्न कर रही हूँ, इवन मैं दोनों रिटर्न कर रही हूँ क्योंकि मुझे सच में पसंद नहीं आई। हाँ, अगर आपको हल्का फुल्का कोई यूज़ के लिए चाहिए, बहुत हेवी बैग नहीं चाहिए तो उसके लिए ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं बट मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। तो सर कलर बहुत अच्छा, ऑरेंज कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्लिंग आप देख सकते हैं छोटी बड़ी, आप आराम से इसे कर सकते हैं। एक हैंडल है और एक अंदर आपको इनर पॉकेट मिल रही है। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्राउन सॉलिड बैग एंड ये गाइस ये भी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका कलर आप देख सकते हो, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राउन कलर है एंड इस पे बैग पे आपको चेन नहीं मिल रही है। बेस्ट है कि इसका जो हैंडल है वो डिफरेंट कलर का है तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया मिल रहा है। डिटैचबल स्लिंग स्ट्रैप आपको मिल रही है और अपने अकॉर्डिंग आप स्लिंग को छोटा बड़ा कर सकते हो और काफ़ी अच्छा इसका जो स्टफ है वो काफ़ी अच्छा है। और बेस्ट है कि इसमें एक हैंडल मिल रहा है जो आप स्लिंग हटाकर आप सिर्फ इसे हैंडल इस तरीके से वेयर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सो समटाइम्स मेरा मन होता है कि मैं स्लिंग यूज़ ना करूँ, मैं सिर्फ हैंडल के साथ बैग्स यूज़ करूँ तो ये जो होता है इस तरीके के बैग्स बहुत बढ़िया होते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्राइस वगैरह स्लिंग के साइड पर लगा रही हूँ। यहाँ पर आपको बटन मिल रही है, एक फ्रंट पे चेन मिल रहा है, अंदर आपको एक इनर पॉकेट मिल रहा है। स्पेस काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, बहुत आराम से आपके बहुत सारे स्टफ इस पर आ जाएंगे। इसलिए मुझे कलर भी बहुत पसंद आई, स्टफ वगैरह सब कुछ, प्राइस वगैरह सब इसके बहुत पसंद। सो इसे मैं रेकमेंड करूंगी। मेरे हिसाब से ये बहुत बेस्ट कलर है इसे ये बैग बाय करने के लिए क्योंकि इस तरह के कलर्स ना ब्लैक और ना बहुत ज्यादा टैन ब्राउन, ऐसे कलर बहुत रेयर मिलते हैं। माय नेक्स्ट आइटम दिस टैन ब्राउन सॉलिड हैंड बैग एंड गाइस ये बैकपैक भी है। सो हैंड बैग प्लस बैकपैक आपको दोनों ही एक बैग में मिल रहा है और टैन ब्राउन कलर लाइक बहुत लोगों की फेवरेट होती है। मुझे भी टैन ब्राउन कलर बहुत पसंद है तो कलर के वजह से ही मैं बोलूंगी कि इसे ले लो। एंड कॉलेज के लिए गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा ऑसम बैग है, आप आराम से इसे बाय कर सकते हैं। स्टफ बहुत अच्छा है, काफी स्पेसियस भी है और सेम इस पे आपको डिफरेंट सामने बकल मिली है वो बहुत सुंदर लग रही है। इसका जो स्टाइल है बहुत ही डिफरेंट है फ्रंट पे, ये मुझे बहुत पसंद आई। आपका स्टफ आप देखो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ। एंड फ्रंट पे हैंडल के पास जो डिजाइन बनी हुई है वो भी बहुत अच्छा है। इसकी हैंडल दोनों तरफ से है सो ये बेस्ट पार्ट है क्योंकि बहुत सारे बैग से मुझे एक ही हैंडल इस पे मिले हैं। बैग पे आपको चेन भी मिल रही है, हैंडल काफी अच्छी है, आपको बैकपैक भी मिल रहा है एंड काफी स्पेसियस है। फ्रंट पे आपको एक चेन मिल रही है, अंदर को एक इनर पॉकेट, टू इनर पॉकेट्स है। बेस्ट पार्ट है टू इनर पॉकेट्स है, काफी स्पेसियस है, हाईली रिकमेंड कर। नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लैक एंड बीच कलर ब्लॉक होबो बैग। सो अगेन ये होबो ब्लैक है एंड नाउ हैंडल ना स्ट्रैप कोई टेंशन नहीं, एक हैंडल आपको सिर्फ मिल रही है एंड काफी स्पेसियस बैग मिल रही है। बैक में आपको चेन मिल रही है, चेन जो बैक की है स्पेस उसकी काफी अच्छी है, बहुत सारा सामान आराम से आ जाएगा। बैग की साइज आप देख सकते हो, डिजाइन देख सकते हो कि कितना ज्यादा स्टैंडर्ड और बहुत बहुत अच्छी लग रही है। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा है, अंदर आपको टू इनर पॉकेट पे मिल रही है, एक हैंडल है, कलर ब्लॉक है, बहुत सुंदर डिजाइन है, हाईली रिकमेंड करूंगी। स्पेस, स्टफ, प्राइस, डिजाइन, लुक सब बहुत बढ़िया है। आप इसे कॉलेज, ऑफिस, डेली यूज में कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ये ऐसी बैग है। सो हाईली रिकमेंड करूंगी एंड आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, प्लस बहुत कंफर्टेबल भी है वेयर कर, ये इसे वेयर करने के बाद जो साइज वगैरह है वो काफी अच्छी लग रही है।
माई नेक्स्ट आइटम इज दिस येलो स्लिंग बैग एंड बहुत छोटू सा बैग अगेन मुझे रिसीव हुआ है जिसकी क्वालिटी यू नो बहुत सॉलिड वाला नहीं है. ब्राउन कलर की डिज़ाइन के साथ है, आपको ब्राउन स्ट्रैप मिल रही है, नॉन डिटैचेबल स्ट्रैप है इस पे. बैग पे आपको चेन मिल रही है, एक मेन कंपार्टमेंट है गाइज, अंदर को आपको कोई भी इनर पॉकेट नहीं मिल रही है. और इससे पहले मैंने चेक नहीं करा था तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई. सो मुझे ये बहुत खास पसंद नहीं आया, जबकि येलो कलर मैं हॉल पे ऐड करती हूँ वो मुझे बहुत पसंद आता है, बट इस बार ये मुझे पसंद नहीं आया. सो डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है, मॉल मूवीज के लिए आप वेयर कर सकते हो, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया. स्लिंग आप ये जो है स्ट्रैप आप एडजस्ट कर सकते हो. सो आप बताओ आपको कैसी लगी. मुझे ये पसंद नहीं आई, सो इसलिए मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगी. ओके गाइस, आई होप आज का हॉल आपको पसंद आया हो. पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय गाइज.